बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में आए दिन हो रही चोरी और लूट की वारदातें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही हैं। अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि नेता हो या आम जनता, किसी के घर पर भी लूट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कानून व्यवस्था इस कदर लचर है कि आम जनता को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो हमें संतोष दिलाती है कि हम सुरक्षित हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो हमारी परेशानियों के सामने ढाल बनकर खड़ी है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था ही लचर हो तो आम जनता किसके पास फरियाद लेकर जाए? बदमाशों के बुलंद हौसलों पर कैसे लगाम लगाए, ये बड़ा सवाल हो जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं खुलेआम बंदूक की नोक पर चोरी हो रही है तो कहीं दुकान में तोड़फोड़ कर पैसे लूटे जा रहे हैं। आपको भोपाल के कुछ मामलों से रूबरू कराते हैं। आधी रात को राजधानी भोपाल में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अयोध्या नगर में जैन ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की गई। करीब 7 चोर 4 पहिया वाहन में हथियारों के साथ पहुंचे और दुकान का शटर तोड़कर लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, दुकान में भी तोड़फोड़ की। घटना के बाद पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई हो। अब एक और मामले के बारे में आपको बताते हैं। राजधानी भोपाल में चोरी लूट की वारदातें थम नहीं रही हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के बंगले पर चोरी हो गई। 4 इमली स्थित शासकीय आवास पर चोरों ने धावा बोला और कैश और चांदी का सामान ले लिया। हैरानी की बात तो ये है कि सीबीआई दफ्तर से कुछ ही मीटर की दूरी पर जयवर्धन सिंह का सरकारी बंगला है। राजधानी में बैक टू बैक चोरी की वारदातों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताई है, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। विधायक विश्राम गृह में चोरी होती है, यहाँ चोरी होती है, अंदर घुसे लोग ताला तोड़ा, अलमारी तोड़ी और कागज वहाँ से क्या निकाले क्या नहीं निकाले मुझे नहीं मालूम। तो ये अपने आप में एक गंभीर परिस्थितियाँ बनती जा रही है। कमिश्नर पुलिस की व्यवस्था यहाँ लागू की गई, लेकिन कमिश्नर पुलिस की व्यवस्था में कमिश्नर साहब की कितनी चल रही है नहीं चल रही है, थानों में पोस्टिंग कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा है, ये उनके हाथ में नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाल ही में भोपाल के पौश इलाके रचना टावर में भी शराब कारोबारी के दफ्तर में लूट का मामला सामने आया था, जहां शराब कारोबारी के दफ्तर में पिस्तौल की नोक पर लाखों की लूट हुई थी। शराब कारोबारी ने कुछ दिन पहले एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया था। जिस कर्मचारी को कारोबारी ने हटाया उसी ने लूट की साजिश रची। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया था। ये सारी घटनाएं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। अगर कानून व्यवस्था मजबूत है तो आखिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? नेताओं के घरों में भी चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। ये घटनाएं तो यही साबित करती हैं कि उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है और ना ही कोई डर। सवाल ये है कि इस लचर कानून व्यवस्था को कब दुरुस्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और लूट की वारदात को जो लुटेरे हैं वो अंजाम दे रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन चोरों तक इन लुटेरों तक पहुंच पाती है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।